नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के शेयर के बारे में। आईटीसी के शेयर में गिरावट क्यों आ रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना बेहतरीन है फिर भी कंपनी के शेयर प्राइस पे काफ़ी गिरावट आपको देखने मिला है, तो इसका क्या कारण है। दोस्तों, बिजनेस आईटीसी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, एफएमसीजी में है, टबैको में है, साथ ही साथ स्टेशनरी प्रोडक्ट में भी है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसमें से कंपनी नंबर वन और नंबर टू पोजिशन पर है, उसके बावजूद आईटीसी के स्टॉक में काफी गिरावट आपको देखने मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जानेंगे कि कैसे आप किसी भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है उसमें पोजिशन आप बना सकते हैं। तो इन सारे चीजों के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग करना हो या स्विंग ट्रेडिंग करना हो स्टॉक्स में, तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 2003 से यहाँ पर आईटीसी का स्टॉक है। इसको हमने थोड़ा सा जूम इन किया है, जूम आउट करेंगे तो ये बड़ा कैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पूरा का पूरा चार्ट आपको दिख रहा है, देख लीजिए किस तरह से चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में रहा है, हमेशा अप ट्रेंड में। तो किस तरह से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करता तो यहाँ से चला, कभी भी यहाँ जो लो बनाया, ये देखने प्रीवियस लो, तो ये जो लो बनाया है ये आप यहाँ पर देखिएगा तो 44 रुपीज के आसपास का लो है, और यहाँ से फिर से इस पर तेजी देखने मिला और 76 तक का हाई बनाया, फिर से ये लो बनाया। तो यहाँ पर अपना पिछला जो लो है 44 रुपीज का, उसको ब्रेक नहीं किया बल्कि उसी प्राइस पर फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पर। तो 2008-09 में और यहाँ पर 2007 में, दोनों जगह सेम प्राइस पर ये सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से एक बड़ा रैली आपको देखने मिला। तो यहाँ का जो रैली था, यहाँ पर जो फिर से एक रैली आती है तो फिर एक करेक्शन आता है, तो यहाँ पर जो इतना बड़ा रैली था, इतना बड़ा करेक्शन भी आया। देखते हैं यहाँ जो प्राइस था शेयर का वो 260 रुपीज़ था, तो वहाँ से फॉल होकर के ये प्राइस आ गया 180 रुपीज़, तो एक बड़ा गिरावट भी यहाँ आया। तो जितना बड़ा रैली उतना बड़ा करेक्शन भी यहाँ आपको देखने मिला। फिर से यहाँ से जो तेजी था वो तेजी चला 360 रुपीज तक, तो ये रैली भी काफ़ी ज़बरदस्त थी और काफ़ी बड़ी रैली थी। उसके बाद फिर से यहाँ पर करेक्शन होता है, जितने बड़ी रैली उतना बड़ा करेक्शन। तो यहाँ से देखते हैं फिर से थोड़ी सी इसमें तेजी आती है और उसके बाद, मतलब उसके बाद जो है शेयर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और 2019 के मार्च के बाद ये स्टॉक्स में कभी तेजी देखने वापस नहीं मिला, बल्कि ये यहाँ से धीरे 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 करेक्ट होता गया, करेक्ट होता गया, करेक्ट होता गया, और अभी आपको ये स्टॉक देखने मिल सक रहा है कितना पे, 179 रुपीज पे, 179 रुपीज पे। तो आपको जहाँ भी यहाँ इधर इन्वेस्ट कर सकते थे, जैसे यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर जैसे इन्वेस्ट किया यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो आप को इसी कैंडल का लो जो है आपको स्टॉप लॉस रखनी है। तो इस तरह से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप जीरोधा में अकाउंट है तब तो आपको कोई मतलब दुविधा ही नहीं, आप जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, मतलब स्टॉप लॉस लगा देंगे, जीटीटी ऑर्डर आपका खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। जीटीटी ऑर्डर हुआ, जब तक कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इस स्टॉक में नहीं करती है, आपका जीटीटी ऑर्डर जो है प्लेस रहेगा, और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा आप एग्जिट हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ से रैली दिखाया, रैली देखते हैं काफ़ी बड़ी रैली थी, तो यहाँ पर जो रैली आया तो यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन आया, देखते हैं एक लंबे समय तक ये कंसोलिडेट किया स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एक देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा कैंडल जो है नीचे का लो बनाया था, तो इस लो पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। फिर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद फिर से यहाँ से जैसे रैली आया तो आप यहाँ पर जो है चुन सकते हैं इसको स्टॉप लॉस, और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के रैली किया था तो आप इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब जो पिछला लो बनाया था, जो भी लो बना रहा है यहाँ पर, वो अपने पिछले लो से हाई बना रहा है, मतलब हाई प्राइस पे बना रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस को लगातार ट्रेल करते जाना है, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ले आए जब ये रैली आया, तो जब ये रैली आया तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, तो जब ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप एग्जिट हो जाएंगे, या आप फिर किसी इंडिकेटर का सहारा लीजिए, जिसमें सबसे बेस्ट इंडिकेटर है आरएसआई। सबका अपना अपना इंडिकेटर होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसआई काफ़ी बेस्ट है, जो आपको सबसे पहले बता देता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए, किस स्टॉक में कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, ये काफ़ी बेहतरीन रूप से बताता है। तो यहाँ पर स्टॉक देखते हैं हमेशा बुलिश रहा है, मतलब स्टॉक जो है यहाँ पर जो 40 है, 40 पर
हमेशा ये अगर मंथली चार्ट पे, यहाँ पर देखते हैं मंथली चार्ट लगा हुआ है, 40 पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो समझिए हर सपोर्ट पे आपको बाय करना, इस सपोर्ट पे आपको बाय करना था, देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आप बाय करते, फिर यहाँ पर 40 पर सपोर्ट लिया तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, अपना पोजिशन बना सकते थे, तो ये रैली आप पकड़ लेते। तो RSI काफ़ी बेहतरीन है। तो कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि RSI से हम पीछे का डाटा देख करके कैसे पता कर सकते हैं, अभी लाइव मार्केट में फिर कैसे होगा। तो लाइव मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब ब्रेक कर चुका है। अगर ये RSI का जो ये पिछला लेवल है, ये देखते हैं सबसे नीचे का जो लो है, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको इसमें कभी भी ITC में लॉन्ग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। लॉन्ग पोजिशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट को बाय नहीं, स्टॉक को बाय नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे RSI इस पिछले लो को ब्रेक करता है यहाँ पर, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स अभी बाय नहीं करनी चाहिए। अगर प्राइस समझ जाइए कि इस प्राइस से जो पिछला लो है इससे काफ़ी नीचे आ जाता है, लेकिन RSI जो है अपना पीछे का जो लो है उसको ब्रेक नहीं करता है तो और प्राइस काफ़ी नीचे आ जाता है, तो आपको निश्चित रूप से बाय करनी चाहिए। मतलब RSI ऊपर ही रहा, प्राइस नीचे आ गया, मतलब उसमें स्ट्रेंथ है अभी मोमेंटम आने का, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम आने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि RSI ऊपर रहा मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब उस स्टॉक में आगे जो है तेजी आ सकती है, जिस प्राइस पे है उससे ऊपर जा सकता है स्टॉक। और यहाँ पर एग्जिट की बात कर रहे थे, RSI से एग्जिट कैसे करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये RSI का स्लोप है, ये RSI का डाइवर्जेंस है, मतलब दोनों डाइवर्जेंस देखिएगा तो दोनों का स्लोप सेम है, देख लीजिए दोनों पैरेलल लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो ये ग्राफ है हमारा RSI का, ये बार बार इस स्लोप को ऊपर की ओर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बार बार ऊपर क्रॉस करने की कोशिश, जबकि यहाँ पर ये क्रॉस तो छोड़िए, काफ़ी तेज़ी से RSI का ग्राफ फॉल कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्राफ नीचे फॉल कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ रहा है स्टॉक में। RSI स्ट्रेंथ दिखाता है कि मोमेंटम जो है वो काफ़ी तेज है या मोमेंटम में वीकनेस आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं RSI काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, मतलब इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम था, तो काफ़ी मोमेंटम था तो काफ़ी ऊपर तक गया स्टॉक, जैसे मोमेंटम को काफ़ी तेज़ी से लूज किया तो स्टॉक काफ़ी नीचे प्राइस पर आ चुका था। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मोमेंटम आता है, फिर से ये देख लें RSI काफ़ी तेज़ी से गिरता है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये स्टॉक्स अब नीचे जाने वाला है, क्योंकि RSI में काफ़ी तेज़ी से वीकनेस आ रहा है। तो जितना ज़्यादा शार्प, जितना तेज़ी से नीचे आएगा RSI, तो आप समझ जाइए वहाँ स्टॉक में काफ़ी बड़ा वीकनेस है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, तो आपको वहाँ एग्जिट कर जानी चाहिए। और एक जो बेहतरीन बात है जहाँ RSI के अनुसार आप एग्जिट कर सकते हैं, आप इस हाई को देखिए, ये हाई हमारा जो है, ये जो हाई है, तो यहाँ पर प्राइस था मात्र देखते हैं 240 रुपीज़, लेकिन जब यहाँ पर यह हाई बनाया तो ये हाई पीछे वाले हाई से नीचे था, इस हाई से नीचे था, लेकिन शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर था। ये हाई जो है पिछले हाई से, यहाँ के हाई से नीचे था, लेकिन शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर था, तो समझ जाइए मोमेंटम जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। RSI हमारा मोमेंटम बताता है, तो RSI यहाँ पर पिछले RSI के वैल्यू से नीचे है, मतलब यहाँ का मोमेंटम जो है, यहाँ पर का मोमेंटम ऊपर जाने का, यहाँ के मोमेंटम से कमज़ोर है। तो मोमेंटम जब कमज़ोर है, उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर है, तो ये स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता है, टिक नहीं सकता है, तो निश्चित है ये स्टॉक्स नीचे आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए। यहाँ एग्जिट कर लेते तो आपके पास, हमने एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलना है, फिर एग्जिट होना है, मतलब आपका स्टॉप लॉस जब हिट हो या जब आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, RSI से आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं, उसके द्वारा भी एग्जिट आप कर सकते हैं। RSI भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि काफ़ी पहले आपको इंडिकेशन दे देता है प्राइस नीचे आने से कि आप यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बेहतरीन मेथड कैसे आप स्टॉक्स में निर्णय लेंगे, आपको बाय कब करना है RSI के मदद से, और जो इसका ट्रेंड है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेंड है, उसके अनुसार कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे। ये मंथली चार्ट पे था, अगर आप और एक्यूरेट चाहते हैं, एक्यूरेट एग्जिट चाहते हैं, तो आप इसको वीकली चार्ट पर फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आप वीकली चार्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए वीकली चार्ट पर ये आपको यहाँ जो भी पीछे लो बना रहा है, जो भी पीछे लो बना रहा है, यहाँ पर देख लीजिए
लो बनता गया। यहाँ पर जो हमारा प्राइस है काफ़ी हाई था, लेकिन जो दूसरे बार ये हाई बनाता है तो ये हाई पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो जब पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में था। जब एक लंबा समय का अप ट्रेंड आया है तो उसमें करेक्शन भी आएगा। जब भी एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड चला है तो एक बहुत बड़ा करेक्शन मोड भी चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें करेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर जो हाई बनाया था काफ़ी ऊपर था, जबकि ये हाई उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए वीकली चार्ट पर देखते हुए। और एक बात का अगर हम आपको बताएं बेहतरीन बात, एलियट वेव थ्योरी। अगर आप एलियट वेव थ्योरी जानते हैं तो उससे भी एग्जिट कर सकते हैं। एलियट वेव थ्योरी बताता है कितना प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आप एलियट वेव थ्योरी के अनुसार बात करते हैं तो एलियट वेव थ्योरी आपको यहीं पर बता देता है आपको एग्जिट कर जाना है। एलियट वेव थ्योरी में कोई भी ट्रेंड हो तो उसमें 5 लेग होते हैं। तो सबसे पहले यहां से लीडिंग लेग को शुरुआत करते हैं। तो यहां पर इसका जो फर्स्ट लेग है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एलियट वेव थ्योरी का। एलियट वेव थ्योरी के अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। एलियट वेव थ्योरी आपको पहले ही बता देता है कि यहाँ पर आपका एग्जिट का समय आ रहा है, एग्जिट का मौका आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम शुरू करते हैं एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी में किसी भी ट्रेंड में जो बनता है एलियट वेव, उसमें कुल 5 लेग होते हैं। तो पहला लेग हमारा यहाँ से हो गया ए, देख लीजिए ए लेग हो गया। यहाँ से ए लेग हुआ तो ये फिर बी लेग हो गया। बी लेग के बाद ये हमारा सी लेग हुआ, तो देख लीजिए ये सी लेग यहाँ तक चला। सी लेग के बाद ये हमारा डी लेग हुआ। डी लेग के बाद ये हमारा ई लेग हुआ। तो देख सकते हैं ए लेग हुआ, ये बी हुआ, ये हमारा सी हुआ। तो एलियट वेव थ्योरी अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें इसमें 5 लेग होते हैं, इसी प्रकार आपको ड्रॉ करना है। तो जहां सी लेग जो होने चाहिए ए से और ई से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। बस एक ही कंडीशन है इसका कि सी लेग काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ए लेग से और बी लेग से, तभी ए लेग से और ई लेग से। और यहाँ पर जो ए लेग होता है वो लीडिंग लेग होता है। यहाँ पर हमारा ये बी लेग हो गया, बी जो कि करेक्शन होता है। तो हर जो यहाँ पर एक अपट्रेंड होगा तो एक थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर एक अपट्रेंड होगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर एक अपट्रेंड होगा और फिर यहाँ पर एक करेक्शन आप चलेगा। तो आपने देख लिया कि जो हमारा एलियट वेव थ्योरी था, ए लेग हुआ, बी, सी और डी और ई। तो इस तरह से हमारा जो स्टॉक होता है किस कोई भी ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उसमें चलता है। जब भी हमारा अप ट्रेंड है तो यहाँ से फिर से एक क्या आएगा, करेक्शन आएगा। तो करेक्शन में ये हो गया 1, 2 और ये हो गया हमारा 3। या आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेंड चेंज किया तो ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। ये सी हुआ तो यहाँ से फिर ये देखते हैं यहाँ पर ये गया डी और यहाँ से अब ये दिखाएगा ई। ये अगर ये हमारा डाउन ट्रेंड है और अगर ये एलियट वेव थ्योरी के अनुसार है, तो अगर ये ई लेग बनाता है यहाँ पर, ई लेग बनाने के बाद फिर से हो सकता है कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल आ जाए। ई लेग जैसे कंप्लीट होता है तो फिर से हो सकता है ये ट्रेंड का रिवर्सल इसमें आ जाए। तो ट्रेंड जैसे रिवर्स होता है तो वहाँ से आपको बाय करना है। और उसको कन्फर्मेशन कहाँ से लेना है, RSI से। ये RSI को इस तरह से आप मिला दीजिए, चाहे ये RSI का हॉरिजेंटल लाइन क्रॉस नहीं करता है, अगर RSI अपने इस हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से खींच दीजिए, अगर इसको सिर्फ टच करता है या इसको क्रॉस नहीं करता है और ये प्राइस काफ़ी नीचे भी आ जाए लेकिन RSI इस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे नहीं जाता है, तो समझ जाइए स्टॉक अपना ट्रेंड बदलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण होगा वो मार्केट ही होगा। आपको मार्केट ही बताएगा कि प्राइस रिवर्स हो रहा है या नहीं। मार्केट ही सबसे पहली प्राथमिकता है, उसके बाद कोई इंडिकेटर हो चाहे एलियट वेव थ्योरी हो, आप लगा करके स्टॉक के ट्रेंड का पता कर सकते हैं। और इसका जो फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लंबे समय से ये ट्रेंड में था। तो इसमें एक करेक्शन चल रहा है जो कि है प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन है। प्राइस वाइज करेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ रहा है, साथ साथ टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बिताया है। कब की क्योंकि यह जो करेक्शन है आप देख सकते हैं कब से है, तो यहाँ से आप देख लीजिए 2019 से ही यह करेक्शन चल रहा है। तो 2019 से ही करेक्शन चल रहा है, तो जैसे करेक्शन पूरा होता है निश्चित है कि ये ट्रेंड अपना स्टॉक चेंज करेगा। तो वहाँ से आपको इसमें SIP स्टार्ट करनी है इन्वेस्ट करने के
लिए। तो दोस्तों फंडामेंटल कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है। डिविडेंड इसका यील्ड देखेगा तो डिविडेंड यील्ड अभी आपको 6% से भी ज्यादा जा चुका है, मतलब आप एफडी में जो इन्वेस्ट करते हैं एफडी से ज्यादा आपको इस कंपनी में आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। तो अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप आईटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड देता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आप पता कर सकते हैं कब ट्रेंड चेंज होता है, कब आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। तो निश्चित है कि हम आपके इंटरेस्ट के जो भी टॉपिक होंगे उस पर आपको हम वीडियो बना करके आपको उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।